तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का सीन ये है कि आज हम जा रहे हैं सब लोग पूना में। तो वहाँ पर हम बहुत सारे स्पॉट्स मतलब घूमेंगे, एम्प्रेस गार्डन, मॉल वगैरह वगैरह। तो अभी टाइम हो रहा है 6:15, हम 5 बजे ही उठ गए थे। तो वहाँ जाने के बाद आपको वहाँ के सीन्स दिखाती हूँ। तो दोस्तों, पहले तो हम यहाँ पर होटल में एंटर कर चुके हैं, तो अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर अभी हम खा रहे हैं ओनियन उत्तप्पा, और मेंदू वड़ा भी हमने खा लिया है पहले ही। तो इसके बाद हम जाएंगे मेरे फ्रेंड के यहाँ पर, तो मैं आपको वहाँ के सीन दिखाऊंगी। तो दोस्तों, फाइनली अभी बज रहे हैं 11:05। तो ये है मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड अनुष्का, मतलब नियरली 8 ईयर्स के बाद हम लोग मिल रहे हैं, कितने साल के बाद। और मेरे और दो फ्रेंड्स हैं, आदित्य और श्रावणी, वो अभी आते होंगे। मैं उनको आने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, ये है मेरी फ्रेंड श्रावणी, ये अनुष्का, इसको पहले देखा होगा। और ये है मेरी फ्रेंड आदित्य। तो हम तीनों क्लासमेट्स थे जब हम फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में थे। तो दोस्तों, ये है श्रावणी की मॉम। तो 8 ईयर्स के बाद हम सब लोग मिल रहे हैं, बहुत ही खुशी हो रही है। तो दोस्तों, फिलहाल तो टाइम हो रहा है 1:25। तो ये सारे मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, यहाँ पर भी पीछे मेरे फ्रेंड्स हैं। तो ये मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं और मेरे फ्रेंड्स भी हैं। तो हम लोग 8 ईयर्स के बाद मिले हैं। तो अभी हम जा रहे हैं कैफे में। तो हमने अभी हमारे टीचर के साथ भी मतलब मीटअप किया, वो भी 8 ईयर्स के बाद। तो अभी हम आए हैं यहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी पीने के लिए। फिलहाल तो अभी बज रहे हैं 4:25। तो यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स हैं, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आ गए हैं। इनका पता नहीं क्या चल रहा है। तो ऐसा ही अभी का सीन। तो दोस्तों, बाय। तो फाइनली अभी बज रहे हैं 5:25। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर, मतलब रिलेटिव है एक वहाँ पर। तो इन दोनों को तो मैं बहुत ही मिस करूंगी, मतलब 8 ईयर से बाहर भी फिर से वापस मिलेंगे। हाँ, मेरे बर्थडे पे। बाय बाय। तो यहाँ पर हम अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो ये है सारस बाग, श्री सिद्धि विनायक मंदिर। तो यहाँ पर अंदर हम जाने वाले हैं। तो ये तो मेरी बैग और वो सब, मतलब अभी हम हमारे फ्रेंड के जो घर था श्रावणी के घर से अभी निकल चुके हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 5:40। तो ये है सारस बाग। मेरे को कोई नहीं लेता, रो मत बेचारा। ये अकेले चले गए खाने घुसने को, और इस मतलब इसके दोस्त का भाई और मैं अकेले घर पे बैठे, हमें लग रहा है ये जाएंगे टाइम पास करने। तो मैं गई, और मेरे साथ मतलब जो हमारे बैच के थे फर्स्ट सेकंड के, तो वो 6 जो मेरे फ्रेंड्स थे वो भी आए उस खास मुझसे मिलने। और वो जो अनुष्का थी वो शिवनेन को रहती थी। अप्रॉक्स 1 आवर लगता है यहाँ पर आने के लिए। तो मैं आपको बैठ के हमारी से अभी दिखाती हूँ। तो
सिद्धि विनायक मंदिर। तो आपको इसकी खास बात पता है क्या? इसके इस मंदिर को पूरे मतलब लोटस का जो लेक है यहाँ पर वो सराउंडेड है, मतलब मराठी में पाण्यात बसलेला आहे हा गणपती, आजूबाजू सगळीकडून पाणी आहे असं। अभी फ़िलहाल तो टाइम हो रहा है 5:45, तो मतलब यहाँ पर मतलब बहुत ही ठंडा लग रहा है। यहाँ पर ना ही कोई फ़ैन है ना ही कोई एसी, फिर भी तो यहाँ पर एक संग्रहालय है, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। दोस्तों वो म्यूजियम इतना सुंदर था, मतलब वहाँ पर बहुत मिनिएचर जो गणपति के आइडल थे वो भी बहुत अच्छी तरह से काव किए गए थे। तो ये नीचे यहाँ पर एक गार्डन है, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। दोस्तों आप यहाँ पर देख ही सकते कितनी सारी ग्रीनरी है, कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। तो आप देख ही सकते सिटी में इतने सारे पेड़ देखना मतलब कुछ अच्छा ही अच्छी बात है, क्योंकि अभी तो आप देख सकते कितना पोल्यूशन हो रहा है। तो आप ये भी देख सकते कितने मतलब साफ सुथरा है ये लेक। अभी तो हमने सारस बाग घूम लिया है, तो अभी हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे बताओ? तुलसी बाग ठीक है, शॉपिंग करेंगे। मुझे नहीं पता हम कहाँ जाने वाले, छोड़ो। देखो ये दोनों ऊपर है। तो दोस्तों ये है प्रिया दीदी, तो ये हम जब पुणे में रहते तो ये मेरी नेबर थी, तो इन्हें मुझको संभाला था जब मैं छोटी थी। तो अभी हम आए इनके घर पर। तो ये है प्रिया दीदी, ये है प्रसन्न दादा, ये उनके डैड, ये उनकी मॉम और ये मेरी मॉम।
ऐसे